आपको इस वक्त हमारे समक्ष है नागपुर जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री संजय ताबूतवाले। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने अभी जो मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है, देखा गया एक तरफ आप लोगों के सारे ट्रेड बंद है और दूसरी ओर देखा गया कि पब्लिक की आवाजाही काफी बढ़ चुकी हुई है, तो आप इस मिनी लॉकडाउन को किस नजरिए से देखते हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। सर, मिनी लॉकडाउन के बारे में ऐसा है, इसके मार्च महीने से लॉकडाउन चालू है, ठीक है। मार्च महीने में समझ के चलो कि 11 तारीख से पूरा लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में 4 बजे तक की छूट दी गई। तो जब से वो दो दिन का लॉकडाउन लास्ट वीकेंड किया हुआ था, तब से पूरा बिजनेस का पूरे ख़त्म हो चुके क्योंकि, और उसके बाद में कंटिन्यू किया गया है आगे में। तो इसमें जो पोजीशन है अभी, ये जो महीना था, ये जो समय था, ये पूरा फुल सीजन का था। हम लोग नागपुर जनरल मर्चेंट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, ये इतवारी में आता है, इतवारी एरिया में। वहाँ पे पूरा मल्टी मार्केट्स है, मल्टी मार्केट्स मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ आइटम जो है आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये जो सीजन का समय रहता है हमारा, ऐसे समय पे हमारा जो लॉकडाउन किया गया, इसके इन शॉर्ट कहने का मतलब कि जो लॉकडाउन इन्होंने किया हुआ है, ये इसको थोड़ा सा मतलब समय कम करके हमारा बिजनेस रेगुलर करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग पिछले लॉकडाउन से उबर नहीं चुके थे। बड़े मुश्किल से थोड़ा थोड़ा हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने गवर्नमेंट ने एकदम से लगातार इसको कंटिन्यू कर लिया, तो वो थोड़ी सी हमको तकलीफ हुई है। तकलीफ क्या है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है, क्योंकि इसमें छोटा मोटा व्यापारी जो है, जैसे मध्यम वर्गीय, लो और हायर, सभी मतलब क्लास हमारे इतवारी के अंदर में आते हैं नागपुर जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अंतर्गत में। तो उसमें उनकी जो पोजीशन है आज के तारीख में, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा है। छोटे मोटे व्यापार करने वाले जो लोग हैं, ये पूरी तरह से इसमें नहीं उभर पा रहे अभी, और इनको काफी सारा मतलब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप क्या कहोगे कि सरकार ने, प्रशासन ने एक तरफ देखा गया कि इतवारी हो, चाहे गांधी बाग हो, महल हो, उस तरफ ज्यादा करके लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, पूरा ठिकरा आप व्यापारियों पे फोड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। इसीलिए सरकार ने ब्रेक द चेन के हिसाब से जो अभी लागू किया, मैंने लॉकडाउन जो शुरू किया हुआ है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया हुआ है, उस बारे में आप क्या कहोगे? सर, भीड़ को कंट्रोल करने के बारे में जो आप बोल रहे हो, अगर आप आज की तारीख में अगर आप रस्ते पे जाएंगे देखोगे तो सिर्फ दुकानें बंद है, भीड़ कम नहीं हुई है, भीड़ कहीं पर भी कम नहीं हुई है, पूरे रस्ते सब पूरे फुल है, आवाजाही चालू है। ये लॉकडाउन नहीं कहेंगे, ये पूरी तरह खुली छूट है, लेकिन उसमें सिर्फ दुकानों के ताले बंद है, दुकानें सिर्फ बंद है, व्यापार बंद करके रखा हुआ है। असेंशियल के नाम पर उन्होंने शाम को 7-8 बजे तक जो दुकानें चालू रखी है उसको लेने के लिए बोले, या कोई भी बहाने से लोग पब्लिक बाहर निकल चुकी है, और आज की तारीख में जितनी भीड़ पहले थी उससे ज़्यादा भीड़ अभी है मार्केट में। इसके वजह से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, और सिर्फ ठिकरा जो है हमारे व्यापारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि भाई नहीं, इनकी दुकानों से कोरोना फैलता है। हमारी दुकान में मैक्सिमम 4-5 लोग समझ के चलो, या 10 नौकर बहुत हो गए, तो उसके बाद में 5-10 ग्राहक, उसमें भी दुकानें बड़ी होती है छोटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज उससे ज़्यादा पब्लिक तो रोड पे है, उससे ज़्यादा तो अलग अलग कई जगह देखोगे आप तो वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है। तो ये पूरा का पूरा जो ठिकरा हमारे व्यापारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है, ये गवर्नमेंट का मतलब टोटली, इसको हम लोग पूरा विरोध करते हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बीच में प्रशासन के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया था आपके प्रतिष्ठान में, तो वहाँ पे देखा गया कि जो व्यापारी है 5 से ज्यादा ग्राहकों को प्रवेश दे रहे हैं, देखा तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, कोई मास्क पहन रहा, कोई नहीं पहन रहा, पूरा का पूरा भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए सबसे पहले प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया आपके दुकान, और उसके बाद आप लोगों ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हमारा व्यापार शुरू नहीं करेंगे तो हमारे जो व्यापारी वर्ग है कर्जबाजारी हो जाएंगे, उपासमारी के समय आ जाएगा, उस बारे में आप क्या कहोगे? हम लोग जो हमारी ट्रेड एसोसिएशन है, ये नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, और इसी के इसमें हम लोग चलते हैं। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जो मिहाड़ी जी, इन्होंने उनको अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का कि उसके बाद में हम लोग व्यापार शुरू करेंगे, लेकिन कुछ कोरोना के केसेस बढ़ने के वजह से, जबकि ये लॉकडाउन है आज करीबन समझ के लिए 15 दिन हो गए लॉकडाउन है, उसके पहले 4 बजे तक के मार्केट था, यानी पीरियड एक महीने के आसपास का पीरियड हो चुका है, कहीं पर भी कोरोना का जो पीक है वो रुक नहीं रहा है। मार्केट बंद होने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है, और मार्केट चालू था तब भी मतलब कम थे, उल्टा अभी तो ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ आप जो पूछ रहे हैं कि भाई ये कोरोना जो आइटम है, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब मार्केट चालू होने की वजह से हो रहा था, या फिर हमने अल्टीमेटम उनको दिया था, लेकिन कहीं तो भी व्यापारी ने भी एक अपनी समझ दिखाई है कि चलो प्रशासन को साथ देना चाहिए। हमने हमेशा प्रशासन को साथ दिया है। इसके पहले लास्ट ईयर भी जब एक लॉकडाउन हुआ था,
इनके सरकार की तरफ से उस समय पे भी हम लोगों ने 3-4 महीने अपनी दुकानें बंद करके हमने पूरा प्रशासन को सहयोग किया था। आज भी हम लोग प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की कुछ तो भी नाकामी है जिसकी वजह से पूरा ठिकरा हमारे व्यापारी के ऊपर में फोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत आपके अधीन से जो कर्मचारी है उनके आरपीटीएस टेस्ट करने की एक शर्त रखी हुई है, बरोबर, क्या उस शर्त को आप मानने को तैयार है कि व्यापारी? शर्त तो उन्होंने सभी पूरे मतलब व्यापारियों के सभी लोगों के लिए लागू किया हुआ है, हम लोग उसका भी पालन कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब आरटीपीसीआर की टेस्ट उन्होंने अनिवार्य किया था, हमने अपने जितने भी कर्मचारी थे उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के अपने पास उनका ये प्रमाण पत्र रखा हुआ था हमने। और आज भी हम लोग, हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी सब कुछ है, क्योंकि एम्प्लॉय है उनका भी घर परिवार है, हमको उनकी भी चिंता है। ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग खुद अवेयर है। आज प्रशासन ने बंद करके रखा लेकिन फिर भी हम लोग अपने घर में बैठे हैं, पूरा पूरा उनको साथ दे रहे हैं। ब्रेक द चेन को तोड़ने के लिए जो प्रशासन ने मिनी लॉकडाउन लगाया हुआ है उसके अंतर्गत देखा गया कि जो सीएम है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो गरीब तबकों के जो व्यापारी है, वर्ग के जो लोग है, उनको आर्थिक पैकेज उन्होंने घोषित किया हुआ है, बरोबर। तो आपको ऐसा लगता है कि जबकि आपके 15 दिन प्रतिष्ठान कंटिन्यूस बंद रहेंगे, आप लोगों पे भी उपासमारी कर्ज बाजारी का समय आ गया, आपको हर तरह के खर्चे लागू है, चाहे वो स्थायी सैलरी हो, स्टाफ का सैलरी हो, या हर तरह के जो खर्चे हैं, इलेक्ट्रिक बिल हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप भी सरकार से कोई पैकेज की मांग करोगे क्या? मांग और डिमांड तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें सरकार मुझे नहीं लगता कि कुछ हमारे लिए कर पाएंगी, क्योंकि पिछला टाइम जो लॉकडाउन हुआ तो उस समय पर भी 4 महीने जब बंद था, हमने सैलरी दी हुई है सभी, जो हमारा स्टाफ था उनको सैलरी दी हुई है, हमने पूरा किराया भरा हुआ है, उसके बाद में टैक्सेशन पूरे दिए गए हैं, कोई भी ईएमआई में छूट नहीं थी, वो भी दिए गए, उसके जो इंटरेस्ट था अभी इंटरेस्ट उन्होंने लिया हुआ है, अभी भी ये सब चीज़ें लागू है, हमारा घर का खर्चा, ये सब चीज़ें, यानी हर तरह के खर्चे लागू है। वो उसमें कॉम्पेंसेशन देने की बात अगर सरकार देती तो उनका स्वागत है, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग भी जो है, एक कहने का मतलब कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, कह रहे तो उसके वो अगर नहीं भी जाए, उनको लॉकडाउन भी रहे तो घर में बिठा के वर्क फ्रॉम हो जो कुछ भी होता है तो उनको पूरी सैलरी मिलती है, लेकिन हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब हम खुद अपना खुद रोजगार पैदा करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, तो इसने गवर्नमेंट में हमारी तरफ विशेष ध्यान दे के हमारे जो वर्कर्स है उनको एटलीस्ट कंपेंसेशन देने के हिसाब से हमको भी देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपका जो जनरल मर्चेंट एसोसिएशन जो है उसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड जो ट्रेडर्स हैं, तो इन लोगों की क्या डिमांड रहेगी कि जैसे नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स जो प्रीमियर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, कुछ एक ठोस और कारगर कदम उठाए ताकि आप व्यापारियों को न्याय मिल पाए, तो ऐसा कुछ, ऐसा आप लोगों ने कुछ रणनीति बनाया है क्या? रणनीति तो फिलहाल नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उनके आदेश के अनुसार हम लोग चलते हैं, उसके अंतर्गत ही सभी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि जो अगर वो कहते हैं कि भाई बंद रखो तो हम लोग बंद रखते हैं, टोटल वो हम लोग उनको ही फॉलो करते हैं, अगर वो कोई भी रणनीति बनाती है नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे, और हम हमेशा उनके साथ है, हम लोग पहले भी उनके साथ थे और आज भी उनके साथ है और भविष्य में उनके साथ रहेंगे। अब जबकि ऐसी जो क्रिटिकल सिचुएशन आई हुई है, एक तरह से संक्रमण काफी बढ़ चुका हुआ है और दूसरी देखा गया ट्रेड की माली हालत भी पूरी खराब है, मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में आप लोग व्यापारी लोगों की क्या भावना रहेंगी, वेट एंड वॉच की रहेंगी या कुछ आगे के एक्शन मोड में जाने के आप इसमें हो? देखिए आज की परिस्थिति ऐसा है कि फिलहाल तो वेट एंड वॉच है, क्योंकि हम लोग प्रशासन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ हमें हमारा रियायत देना चाहिए, एटलीस्ट जिस हिसाब से अभी रोड पे भीड़ है या जो कुछ भी है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बाकी जो जिनको असेंशियल को छूट दी गई है उसके अनुसार कम से कम एटलीस्ट नॉन असेंशियल जो भी हमारी जैसे ट्रेड है, अभी जैसे शादी को मान्यता दी है 50 लोगों की, तो उनको भी कुछ ना कुछ खरीद रही थी, घर गुती बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोगों का भी एटलीस्ट नहीं कुछ तो थोड़ा समय कम करके 4 घंटे 6 घंटे खोलने की अनुमति हमें देना चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है। चैनल के माध्यम से हमारे जो ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य है इनको सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार अपने को जो अभी अपने गाइडलाइन के अनुसार जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसको हमें पूरी तरह फॉलो करना है और उसका हमें प्रशासन का भी साथ देना है, साथ में कोविड की जो आज स्थिति है इस नागपुर के अंदर में पूरी भयावह स्थिति बनी हुई है, इसके मद्देनज़र रखते हुए हमको जो सरकार द्वारा निर्देश दिए गए उसका पूरा पूर्ण सहयोग करना है और हमें उनके साथ चलना है। इसमें जब तक कि हमें NVCC द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई भी दिशा निर्देश नहीं आ जाए तब तक कि हमें पूरी तरह उन्हें सहयोग